अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने पूरी कायनात बनी उसकी के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया है कि मिस्टर लोन और लोन क्लब एप्लीकेशन के बारे में मुझे बता दें, ये लीगल है अनलीगल है, एक प्ले स्टोर से रिव्यू है, इस एप्लीकेशन को हम कैसे डाउनलोड करें, लोन जमा वापसी करें या ना करें। दो तीन सवाल भाई ने पूछे हैं, मैंने सोचा क्यों ना इसके मैं इसको वीडियो बना के ही इसके जवाब दे दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो दोस्त हैं ऐसे सवाल आप तलाश करते रहते हैं। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है या कोई और मुश्किल है जिसका आप सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो प्लीज मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए वीडियो या रीप्ले करके जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या लोन क्लब और मिस्टर लोन एप्लीकेशन लीगल है या अनलीगल है। काफी ज्यादा यूट्यूबर ने ये बताया हुआ है कि यार ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिव्यू हो चुकी हैं, इन एप्लीकेशन के ऊपर छापा लगा है, ये एप्लीकेशन बैन हो चुकी हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है मेरे भाइयों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि प्ले स्टोर पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो उनका इनको लाइसेंस मिलता है सिर्फ साल का। आप फीस जमा करवाएंगे 5 साल की तो आपकी एप्लीकेशन 5 साल तक प्ले स्टोर पे रहेगी। आपको याद होगा कि बरबक्त और इजी लोन भी रिव्यू हो चुकी थी प्ले स्टोर से, क्योंकि उनका लाइसेंस खत्म हो गया था प्ले स्टोर का, उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी, उनकी रिव्यू हो गई और बहुत ज्यादा यूट्यूबरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये रिव्यू हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई लोन जमा ना कराए, कुछ ना करे, ये बंद हो गई। इस तरह की कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ आपने फीस देनी है, एप्लीकेशन दोबारा प्ले स्टोर पर आ जाएगी। और रही बात लीगल अनलीगल की, तो देखें जो लोन क्लब एप्लीकेशन है ये स्मार्ट कर्जा जो अभी एप्लीकेशन चल रही है उसकी एक ब्रांड है, यानी कि उसकी एक बच्चा है लोन क्लब। तो इसी तरह मिस्टर लोन भी कोई बड़ी एप्लीकेशन का एक छोटा सा बच्चा है, यानी कि इसी तरह ये लोन एप्लीकेशन जो बड़ी एप्लीकेशन से ये छोटी छोटी एप्लीकेशन से लेके आती हैं और उनका जो ऑनर ही होता है वो एक ही होता है। पर क्या है कि अगर आप उस छोटी एप्लीकेशन से भी लोन ले लेते हैं तो वो डेटा जो है बड़ी एप्लीकेशन से जाके मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने ये भी सवाल किया होता है कि यार हमने इस एप्लीकेशन से डेटा दिया ही नहीं था, हमारा डेटा इस एप्लीकेशन के पास कैसे गया। तो भाई ऐसे ही जाता है जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो वीडियो डाउनलोड कर ले, दोबारा गौर से सुन लेना, आपको ठीक तरीके से समझ आ जाएगी। और ये एप्लीकेशन को लोन जमा कराना चाहिए या नहीं, मेरे भाई अगर आपका पर्सनल डेटा उन एप्लीकेशन वालों के पास है, सेफ तरीके से आपने लोन नहीं लिया, तो जाहिर बात है जब तक आप जमा ना कराएंगे तो ये लोग आपके पीछे ही पड़े रहेंगे। अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको नीचे वीडियो के आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मिस्टर लोन एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अभी काम कर रही है। ऑनलाइन मतलब ये होता है कि आपने क्लिक करना है, ऑनलाइन ये एप्लीकेशन ओपन होगी, आपने अपना नंबर वहां पे टाइप करना है और लॉगिन करना है, आपका जितना लोन लिया हुआ होगा वो शो हो जाएगा और आपने वहां पे करना है। तो ये कन्फ्यूजन यहां पे ख़त्म हो जाती है। और आपको मैं इसका तरीकेकार भी बताता हूं, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है मिस्टर लोन, ठीक है, फर्स्ट पे आपका पेज आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका वो पेज ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से भी लोन पे कर सकते हैं। और बात रही है लोन क्लब की, तो लोन क्लब भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लिंक के थ्रू भी उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अगर आप लिंक के थ्रू नहीं करना चाहते, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है लोन क्लब और काफ़ी ज़्यादा ये एप्लीकेशंस आ जाएंगी, आपने स्क्रॉल करके ऊपर कर देना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर आपने ओपन करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको एक क्लियरली बात बताऊं कि इस एप्लीकेशन को ठीक तरीके से चेक करना है, जितना आपका लोन बन रहा है उतना ही इस एप्लीकेशन पे है, क्योंकि ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट पे है, तो इसीलिए आपने ध्यान से इस एप्लीकेशन को चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपका लोन वैसा ही है जो आपको बताया जा रहा है और आपने जेस कैश या इजी पैसा अकाउंट पे किसी को लोन नहीं भेजना, जाना है इजी पैसा या जेस की सेटिंग में, बिल पे पे जाके आपने इन एप्लीकेशन का लोन पे करना है, तब जाके आपका लोन ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉल करके बोले कि भाई हमारा ये आप नंबर लिख लो, इस पे आप पैसे भेज दो, आपका लोन आप यहाँ पे हम पे कर देंगे, तो ये हरगिज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ्रॉडिया इस तरह बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे बटोर चुके हैं, तो लिहाजा आपने एहतियात करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई जो आपने मुझसे कमेंट्स किया था आपको सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल गए हैं। और किसी और भाई या बहन को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त,
पाकिस्तान जिंदाबाद।